साहब परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, आपने मुझे रेलवे पे चर्चा करने का मौका दिया। रेलवे जो है वो भारत की जीवन रेखा है, इसको सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ रहा है पड़ता है और लाभदायक भी बनाना पड़ता है। ये कहा जाए कि ये धारदार तलवारों के बीच चलने का काम करती है और उस धारदार तलवार के बीच चलकर भी लोगों को जहाँ तक हो सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती है। बहुत माननीय मंत्री जी ने जब अपना बजट पेश किया था तो उन्होंने रेलवे को में किसानों की आय दोगुनी हो इस पर भी उन्होंने बल दिया और वो किसानों के जो वस्तुएं हैं, किसान रेलवे के माध्यम से वस्तुओं को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, इसके लिए किसान रेल का भी उन्होंने प्रोविज़न किया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। अब बजट में जो खाली पड़ी ज़मीन पर है उनमें सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी प्रावधान किया गया है, इसका भी मैं स्वागत करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि सरकार स्वच्छता मिशन पर बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन अगर हम मैंने इसको अपने प्रश्नकाल में भी पूरक प्रश्न में भी मैंने ये सवाल किया था और उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था कि राजधानी में तो मैंने पहले कभी सफ़र नहीं किया था, लेकिन सांसद बनने के बाद राजधानी में सफ़र करने का मौका मिला। पटना राजधानी में तो हमारी सफाई ठीक रहती है, लेकिन डिब्रूगढ़ राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी और रांची राजधानी में जब मैंने सफ़र किया है तो उसमें एसी फर्स्ट क्लास के जो डब्बे हैं उसमें रसोई यान नहीं रहने के कारण, प्रथम क्लास के रसोई यान रहने के कारण खाना जो है वहाँ से लोग लाते हैं और टॉयलेट के बगल में जो खाली जगह होता है वहाँ पर रख कर खाना परोसते हैं। तो हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं महोदय, बहुत अजब सा लगता है, इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। मैं दूसरी तरफ ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो आम जन लोग हैं, आम लोग हैं, वो रेल से ही सफ़र करते हैं। अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो जनरल क्लास में बैठकर सफ़र कर लेते हैं। लोगों की मजबूरियां भी रहती हैं, लेकिन जनरल के डब्बे बहुत कम हैं, इन डब्बों को बढ़ाया जाए। लंबी दूरी वाली ट्रेनों में रसोई या नहीं रहने के कारण मुसाफिरों को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब कोई भी आदमी सफ़र करता है तो वो घर से खाना लेकर चलता है, लेकिन जब लंबी दूरी होती है तो वो खाना उसमें ख़राब भी हो जाता है और ख़राब खाना अगर पैसेंजर अपना ही खाना खाए उसकी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन रेलवे को ये सुनना पड़ता है कि रेल यात्रा करते करते किसी भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। इसके लिए हम लोगों को लंबी दूरी वाली जो ट्रेन है उस पर रसोई यान का की व्यवस्था होनी चाहिए। महोदय, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, महिलाओं के लिए जो डब्बे हैं उस डब्बों की संख्या बढ़ानी जानी चाहिए। महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जब मैंने सदन में प्रथम भाषण दिया था तो वो रेलवे पर मैंने अपनी मेडन स्पीच दी थी और मैंने ये मांग की थी कि भागलपुर जो है मालदा डिवीज़न का सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला जंक्शन है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने मांग की, भागलपुर के लोगों की मांग रही कि भागलपुर को भी रेल मंडल बनाया जाए, लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हुई। सारी मानकों को वो तय करता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि भागलपुर को रेल मंडल बनाया जाए। मैं एक मांग और करना चाहूँगी, नीरज भाई ने जैसे कहा कि पटना राजधानी जो है वो पटना से चलकर अगर बक्सर में रुक जाए तो बक्सर के लोगों को भी फ़ायदा होगा और आमदनी भी ये होगा। तो मैं एक मांग, उनके मांग का समर्थन करते हुए एक मांग और करना चाहती हूँ कि जो राजधानी हावड़ा राजधानी है या सियालदह राजधानी है वो गया होकर के पटना होकर के जाती है। हफ्ते में अगर दो दिन, एक दिन गया राजधानी, एक दिन सियालदह राजधानी और एक दिन हावड़ा राजधानी अगर भागलपुर और मुंगेर होकर के जाए तो वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। महोदय, मैं एक मांग और रखना चाहती हूँ, वो ये है कि समस्तीपुर से खगड़िया भाया रोसड़ा लाइन का दोहरीकरण किया जाए, वहाँ की गाड़ी की संख्या बढ़ानी चाहिए। लंबी दूरी वाली गाड़ियों की संख्या वहाँ से भी कम है, अगर संख्या वहाँ बढ़ेगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। महोदय, एक अंतिम बात और ये है कि हम लोग
आज बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक के लिए हम लोग चला रहे हैं और उसका लाभ गरीब तक पहुंचे इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन रेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हर लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर हम आज कह रहे हैं अपने पर्यावरण की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर रेलवे के सीट के अंदर पे जो बैठने की जगह होती है, अगर इस तरह का स्टिकर लगा दिया जाए जो एक संदेश दे, जिस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये है हमारा है और पर्यावरण की सुरक्षा का है, सेव अर्थ का अगर हम स्टिकर तस्वीर लगा दें तो एक कहीं ना कहीं संदेश जाएगा। दूसरी बात, हमारे भागलपुर के विक्रमशिला एक्सप्रेस में मंजूसा पेंटिंग है जिसका हम अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से भारत में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी कला को प्रोत्साहन देता है। अगर वहाँ की ट्रेनों में अगर उस तरह के कला का प्रदर्शन किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं संदेश मिलेगा और हमारी कला को और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री जुगल।